नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे आचार्य चतुरसेन की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बहु बेटे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बालिका ने वृद्धा की खाट के पास जाकर मीठे स्वर से कहा, अम्मा उठो, नहीं तो भाभी फिर नाराज हो जाएंगी। वृद्धा आंखें बंद किए पड़ी थी। आंखें खोलकर बालिका की ओर ताककर उसने कहा, अभी उठती हूं बेटी, अब मेरा दर्द और बुखार कुछ कम हुआ है। तू बहू से पूछ आ, वो क्या खाएगी, जरा चूल्हा जला दे। बालिका ने कोठरी से बाहर आकर बहू को कमरे के द्वार पर ही से झांक कर देखा। वो उस समय एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसने सहमते हुए स्वर में कहा, भाभी अम्मा पूछती है कि इस वक्त तुम क्या खाओगी। उसने किताब पर से दृष्टि उठाई, बालिका को घूरा, जरा सिर उठाकर क्रुद्ध होकर बोली, अच्छा तू अभी पूछ गछ ही हो रही है, देखती नहीं है दिन घर को गया है। बालिका बोली नहीं, चुपचाप द्वार से चिपकी हुई खड़ी रही और बहू अपना उपन्यास पढ़ने में एक बार फिर से तल्लीन हो गई। थोड़ी देर बाद उसने झिड़क कर बालिका से कहा, जा पूरी तरकारी बनाने को कह दे, वक्त पर खाना मिल गया तो बात ही क्या रही। बालिका दौड़कर माता की कोठरी में चली आई। उसने वृद्धा से कहा, मां भाभी ने पूरी बनाने को कहा है। वृद्धा ने जवाब दिया, कल तो उसे दस्त लग रहे थे, 15 दिन से बुखार रहा और वो खाएगी पूरी, ये कैसे हो सकेगा, डॉक्टर बकेगा तब, जा और कुछ पूछ आ। लेकिन बालिका की हिम्मत शेरनी की उस मांद में जाने की नहीं हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, मां बना दो ना, 2 पूरी में क्या हो जाएगा, वहां जाने से तो भाभी नाराज होती हैं। संध्या हो रही थी और ठंड बढ़ती चली जा रही थी। लंबे चौड़े घर में यही सिर्फ 2.5 आदमी थे, वृद्धा, बहू और वो छोटी सी बच्ची। एक विचित्र सन्नाटा और एक अशुभ वातावरण घर भर में फैला हुआ था। तीनों में से जब कोई बोल उठता तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे कब्र में से कोई मुर्दा बोल उठा हो। बुढ़िया उठी। बुखार की वजह से वो बहुत कमजोर थी और पेट में अभी तक दर्द था, परंतु उसकी हड्डियां पुराने मसाले की थीं। बालिका ने चूल्हा जलाया और बुढ़िया तमाम सामान जुटाकर चौके में ले आई। बालिका ने घी की मटकी देखकर कहा, अम्मा घी तो है ही नहीं, ये देखो जरा सा है। वृद्धा ने घबरा कर कहा, तो पूरियां कैसे बनेंगी। कुछ सोचकर बालिका ने कहा, कुछ पैसे दो तो दौड़ कर ले आऊं। परंतु वृद्धा ने मरे हुए स्वर से कहा, पैसे मेरे पास कहां, खर्च तो बहू के पास ही रहता है, उसी से कहे। बालिका सोच में पड़ गई, भाभी के पास जाने का उसे साहस नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर उसने कहा, जाने भी दो अम्मा, बीमार आदमी की तो नियत ऐसी ही बिगड़ जाती है, तुम दाल भात बनाओ भाभी खा लेगी, जरा नाराज हो जाएगी तो क्या। वृद्धा ने दाल भात चढ़ा दिया, कुछ तरकारी भी बनाई और चटनी तैयार की। फुलका तवे पर डालकर उसने कहा, जा बेटी बहू को बुला ला, खा जाए, ज्यादा बैठने की मुझ में सामर्थ्य नहीं, सिर घूम रहा है और दर्द भी बहुत है। बालिका डरते डरते फिर भाभी के विलास भवन में गई। उसका साहस कमरे के भीतर जाने का नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि भाभी का सख्त हुक्म है कि कोई कमरे के भीतर कदम न रखे, न दरवाजा खोले, सिर्फ बाहर से आवाज दे। बालिका ने धीरे से कहा, चलो भाभी भोजन कर लो। बहू ने किताब रख दी और अलसाई हुई उठी और इठलाती हुई रसोई में आ बैठी। देखा आसन पड़ा है और थाल परोसा हुआ रखा है, पर थाल में पूरियां नहीं हैं, दाल भात है। उसने ज्वालामय नेत्रों से सास की ओर देखकर कहा, किसने कहा था ये गोबर बनाने के लिए।
वृद्धा ने धीमे स्वर से कहा। जो कुछ भी बना है वो खा लो, इस समय घी घर में नहीं था। फिर तुम्हें ऐसी चीज पचती भी तो नहीं है, अभी बीमारी से उठी हो। बहू ने गरज कर कहा, घी नहीं था तो फूटे मुंह से कहा क्यों नहीं था? मैं क्या मर गई थी? इस जले घर में क्या कुछ मिल सकता है? उसने थाल में एक ठोकर मारी और सर्पिणी की भांति फुफकार छोड़ती हुई अपनी विलास शैया पर जा पड़ी। वृद्धा और बालिका शून्य दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। उसका अर्थ यह था कि अब क्या होगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अफसरों की घुड़कियां और जूतियां खाकर बेमुल्क नवाब घर में घुसे। आते ही बेगम साहिबा की तलाश में इधर उधर आंखें घुमाने लगे। वो उस वक्त कोप भवन में बैठी थी। बुढ़िया अपनी चारपाई पर पड़ी धड़कते हुए कलेजे से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटा तबीयत का हाल पूछेगा और तकलीफ देखकर कुछ सहानुभूति दिखाएगा। इससे इतना लाभ तो जरूर होगा कि बहू की शिकायत का ज्यादा असर ना होगा। लेकिन पुत्र महाशय ने छाता खूंटी पर टांगते हुए पूछा, वो कहाँ है? बुढ़िया ठंडी पड़ गई। उसने मंद स्वर में कहा, अपने कमरे में होगी। ये सुनकर बाबू साहब ने घबरा कर कहा, क्यों, तबीयत तो उसकी अच्छी है? वो माता के उत्तर को सुनने के लिए खड़े न रहे, झपटते हुए अपनी पत्नी के शयनागार में घुस आए, जो मुंह छिपाए रजाई में लिपटी पड़ी थी। आपने जाते ही नब्ज देखी, बाल संवारे और तबीयत का हाल पूछा, लेकिन मलिका ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ करवट बदलकर लेट गई। अब नवाब बेमुल्क की समझ में आया कि ये रोग नहीं है, मान है। भौं में बल डालकर बोले, हुआ क्या है? महारानी ने मुंह फुलाकर कहा, चलो हटो, मेरा सिर ना खाओ, मुझे पड़ी रहने दो, मुझे मर जाने दो। एक सांस में इतनी बातें सुनकर नवाब बेमुल्क के माथे पर पसीना आ गया। भला आप ही ख्याल फरमाइए कि जो आदमी उसे जरा पड़ी भी न रहने दे सकता, वो उसे मरने कैसे दे सकता है? उन्होंने खुशामद के स्वर में कहा, आखिर बात तो मालूम हो कि हुआ क्या? बेगम साहिबा ने नकिया कर कहा, कुछ बात भी है। यूं ही मेरी तबीयत पूरी खाने को चल गई थी, सो बनाने को कह दिया था। और दिन तो पराठे भी बन जाते थे, मगर आज जिद बांधकर दाल भात ही बनाया। इस घर में मेरी जरा भी बात नहीं चलती। अजी, मैं तो मोल खरीदी हुई बांधी हूं। मेरी तबीयत ही क्या और मेरा जी ही क्या। माँ बाप ने मुझे हाँक दिया, सो मेरी तकदीर खुल गई जो इस घर में आई। गहने कपड़े सब भाड़ में गए, एक बड़े टुकड़े के लिए ऐसा तरसना पड़ता है। इसके बाद सुबकियों के बढ़ जाने से डायलॉग बंद हो गया, सिर्फ एक्टिंग रह गई। वो दोनों हाथों से मुंह छिपाकर धूमधाम से रोने लगी। घर में घुसते ही पहले तो नवाब बेमुल्क ने यह ख्याल किया था कि शायद भीतर स्वयं सेवा दरकार है, इसलिए एक हाथ उनकी नब्ज पर रखा था और दूसरे से अपना कोट उतार रहे थे। लेकिन रंग ढंग देखकर उस कोट को आधा पहने रहे, बोले नहीं। होंठ काटते हुए बाहर आए और गरजते हुए वृद्धा को लक्ष्य करके बोले, तुम लोगों में से एक आध खत्म हो तो मेरी जान का बवाल टले। बाहर से थका मांदा भूखा प्यासा घर में आता हूं तो आग ही लगी दिखती है। वृद्धा चुपचाप पड़ी रही। उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी और वो बहू बेटे से बहुत डरती भी थी। परंतु बालिका ने आंखें डबडबा कर कहा, भैया घर में घी नहीं था। भीतर से गरजती हुई मलिकाइन निकली और बालिका को घुड़क कर कहा, घर में कुछ है थोड़े ही, घी नहीं था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ये सब बहानेबाजी है, असलियत मैं जानती हूं। वृद्धा अब भी चुप थी। पुत्र से मां की ये चुप्पी नहीं सही गई। उसने कड़क कर कहा, मैं जो बक रहा हूं वो भी सुना। मैं कहता हूं कि ये रोज रोज की हाय हाय मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर बुढ़िया की जुबान खुली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटे तुम जवान हो गए हो, घर बार के हो गए हो। ये बुढ़िया मैया और कुछ दिनों की मेहमान है, तुम्हें मुनासिब है कि उसे मनमाने सांस लेने दो। तुमने रुपया पैसा और खर्च पानी की जिम्मेदारी तो अपनी बहू के सुपुर्द कर रखी है, मैं भला कर भी क्या सकती हूँ? गृहस्थी में ऐसा हो ही जाता है, आखिर बहू अपनी ही तो है, कोई मेहमान तो नहीं। सुयोग्य पुत्र ने तिनक कर कहा, तुम्हारे हाथ खर्चा देकर क्या मैं बंटाधार करूं? रुपया क्या तुम्हारे हाथ में ठहरता है? रुपये को रुपये थोड़े ही समझती हो। वृद्धा ने उसी धीमे स्वर में कहा, अच्छी बात है, अब तुम्हें सुघड़ बहू मिल गई है,
परंतु ये घर इसी बुढ़िया के धूल भरे हाथों से बना है। तुम्हारे पिता सिर्फ 60 रुपए लाते थे, तब भी घर में सब कुछ था, मकान भी घर का था, पड़ोस के 10-5 गरीब मोहताज भी पल जाते थे, तुम 125 रुपए कमाते हो। उन्हें मरे अभी सिर्फ 3 साल पूरे ही हुए हैं, तुमने मकान भी बेच दिया और तनख्वाह में भी तुम्हारा पूरा पड़ता नहीं। एक एक करके तमाम जेवर और फिर बर्तन तक बेचने की नीयत आ रही है। अच्छा है, तुम मालिक हो, जो जी चाहे करो। उसका गला भर आया और उसे अपने मृत पति की याद आ गई। हृदय में ये भावना पैदा हुई कि आज उसके इस असहाय जीवन में उसके मरने जीने की पूछने वाला भी कोई नहीं है। बाबू साहब कुछ बोले नहीं, वो पूरियां लाने बाजार चले गए। कुछ देर बाद बहू पति के साथ एक ही थाल में पूरियां खा हंस हंस कर बोल रही थी। पति देव गर्व से प्रसन्न थे और हंसी में योग दे रहे थे। आधी रात होने के बाद बालिका ने आवाज दी। भैया और भाभी दोनों चौंक उठे। पुत्र ने पूछा, कौन? मैं हूं भैया, अम्मा की तबीयत अच्छी नहीं है, उन्हें दस्त और उल्टियां हो रही हैं। बाबू साहब उठने लगे किंतु बहू ने बाधा दी और कहा, अब रात में उठकर तुम क्या कर लोगे? उन्हें रात में ऐसा हो ही जाता है, सुबह देखा जाएगा, अनाप शनाप खा लेती हैं, पछता है नहीं। एक बार बालिका ने फिर कहा, अम्मा बहुत छटपटा रही हैं। बाबू साहब ने बाहर आकर माता की दशा देखी और झुककर हालात पूछे। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा कि पुत्र खड़ा हुआ है। उसने मंद स्वर में कहा, लड़की बड़ी खराब है, नहीं मानी, तुम्हें जगा लाई, जाओ सो, मुझे तो ऐसा हो ही जाता है, जाओ सो रहो, सवेरे दफ्तर जाना होगा। सोया हुआ पुत्र भाव जागृत हुआ और वो माता की चारपाई के एक कोने में बैठ गए। उन्होंने पूछा, तबीयत कैसी है? तकलीफ तो ज्यादा नहीं है? वृद्धा ने कहा, मुझे तो ऐसा हो ही जाता है, जरा खाने पीने में गड़बड़ी हुई कि पेट में विकार आ गया। पुत्र ने डॉक्टर को बुलाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वृद्धा ने उन्हें कसम देकर कहा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, 2 रुपया मुफ्त में ले जाएगा, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने आज्ञा के स्वर में कहा, तू जाकर सो जा, और वो जाकर सो गए। प्रातःकाल जब वो उठकर बाहर आए तो देखा माता का निर्जीव शरीर पड़ा है और बालिका उसी की छाती पर सो गई है। इन दोनों स्त्री पुरुषों को हम जानते हैं, पूरे चटोरे, पहले पत्ते चाटते थे, अब घर को चाट रहे हैं। आशा है वे शीघ्र ही परस्पर एक दूसरे को चाट जाएंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन की लिखी कहानी बहू बेटे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।